हेलो दोस्तों, सिविल साइड विजिट चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो लेवल पाइप है, मतलब वाटर लेवल पाइप से हम लेवल कैसे करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। और दूसरा जो हमारा वाटर लेवल स्केल है, इससे हम लेवल कैसे करते हैं वो आज मैं आपको बताऊँगा। पूरा प्रोसीजर देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन को दबा के नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाओ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि मैं पहले दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली हम कैसे उसको करते हैं। तो सबसे पहले मतलब इसमें वाटर लेवल, जिस चीज़ का आपको लेवल चेक करना है या जो रेफरेंस लेना है, उस पर आप एक वाटर लेवल मतलब एक साइड से पाइप पकड़ लोगे, उसमें वो टच कर लोगे, मतलब इस लेवल को दूसरी जगह आपको ट्रांसफ़र करना है। तो वो कैसे होगा, जब वहाँ पे हो जाएगा, वहाँ आपको ऊपर नीचे वाटर लेवल होता रहेगा, उसको आपको कंटिन्यू लेवल में रखना है और वहाँ पे आप मार्क कर सकते हो, वो लेवल आप वहाँ से उठा के दूसरी जगह आपका चला जाएगा, ठीक है। एक चीज़ आपको मेन उसमें ध्यान रखना है कि आपकी जो लेवल पाइप वो कहीं से दबी नहीं होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ मतलब उसका जो बबल है वो कहीं पाइप में बबल क्रिएट ना होना चाहिए। अभी ऐसे ही मैं दिखाता हूँ आपको, मतलब यहाँ इस स्टेयर का लेवल दूसरी तरफ हम चेक करेंगे कि दोनों का लेवल बराबर है कि नहीं। तो जैसे आप देख रहे हो वाटर लेवल, मतलब एक जगह हमने इस पे इसके पीक पे रख दिया, ठीक है, ये फिक्स हो गया, ठीक है, ये फिक्स हो गया। अब यही लेवल हम दूसरी जगह जो हमारा वाटर लेवल होगा ऊपर, उसको फिक्स कर लेंगे और मार्किंग कर लेंगे, यही लेवल आपको दूसरी तरफ मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है, कोई इसमें मतलब डिफ़िकल्टी नहीं है। मतलब अगर एक लेवल का अगर मार्किंग की है आपने, वहाँ से आप इजीली इस पाइप से दूसरी जगह लेवल ट्रांसफ़र कर सकते हो। पहले कंस्ट्रक्शन में यही प्रोसेस रहता है, मतलब लेवल पाइप से सब घूमता था। अभी तो डंपी लेवल या TS जो भी आगे नए आ गए हैं उनसे कर सकते हैं, लेकिन पहले हम विद दी हेल्प ऑफ लेवल पाइप हम लेवल घुमाते थे पूरा, मतलब पूरी कंस्ट्रक्शन में, मतलब किसी भी लेंथ तक आप लेवल इसका ले सकते हो। मतलब अगर आपकी पाइप आपको 20 मीटर तक लेना है, तो आपकी अगर 20 मीटर लंबी पाइप होगी तो आप इजीली लेवल से मतलब लेवल उठा सकते हो लेवल पाइप से, मतलब वाटर लेवल आपका फिक्स रहेगा, उसमें एक जगह आप रख दोगे, दूसरा उधर उठा सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा वाटर लेवल स्केल। इससे क्या मतलब, इससे भी आप लेवलिंग करते हैं, क्योंकि अगर स्टेयर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या किसी और की, तो इसमें ये बहुत हेल्पफुल रहता है। क्योंकि अगर इसमें आपको वर्टिकल लेवल करना है किसी चीज़ को, या इंक्लाइंड करना है या हॉरिजॉन्टल करना है, तो इससे हम इजीली कर सकते हैं। क्योंकि वाटर लेवल अगर हमारे पास है, अगर वाटर लेवल सेंटर में होगा, तो आपकी वो जो भी आप चीज़ लेवल कर रहे हो वो अच्छे से लेवल जाएगी। लेकिन मेनली ये काम ज़्यादा आता है स्टेयर में। स्टेयर का अगर आपको प्रिंट ब्लू प्रिंट छापना है, मतलब उसमें ट्रेड या राइजर छापने हैं, मतलब स्केच उनको उन पर करना है शटरिंग से पहले, तो आप इजीली इससे कर सकते हो। मैं आगे प्रोसीजर दिखाऊंगा, भी दिखाऊंगा कि कैसे हम स्टेयर का ब्लू प्रिंट उस पर फ्लाइट के साइड शटरिंग पे कैसे छापते हैं। और इसका एक्यूरेसी कितना रहता है, 0.5 mm/m, मतलब इतनी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है इसकी, ठीक है। और ये 30 cm लंबा रहता है, और इसका मैं अभी प्रोसीजर दिखा देता हूँ कैसे हम इसका ब्लू प्रिंट छापते हैं स्टेयर पे। तो यहाँ पे हम मतलब वर्टिकल उसका जो हमारा राइजर रहेगा उसका करेंगे पहले। अगर मतलब जैसे अभी ये हमारा वाटर लेवल अगर सेंटर में आ गया, तो हमारी वर्टिकलिटी उसकी सही है, प्रॉपर है पूरी। तो अभी प्रोसीजर दिखाता हूँ मैं कैसे करते हैं इसका। ये हमारा बटर, आप देख रहे हो बीच में बबल आ गया, आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, तो उसका बबल बीच का मतलब उसका वर्टिकल सीधा है। अभी ये आ गया उसका, मतलब आगे ये उससे ट्रेड का मापी ले लेगा, डाइसो मार दिया, और नेक्स्ट प्रोसीजर ऐसे ही इसको कंटिन्यू, ये जितने हमारे राइजर होंगे ये कंटिन्यू होते जाएगा विद द हेल्प ऑफ वाटर स्केल, ठीक है। अभी बबल जैसे बीच में आ गया, तो हमारा जो लाइन आएगी बिल्कुल वर्टिकल आएगी, क्योंकि ये थोड़ा स्लोपी एरिया है, तो इसमें डायरेक्ट हम नहीं बिठा सकते थे, तो इससे हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू इससे वो करता जाएगा ऊपर। और वैसे ही हमारा ये बबल स्केल यहाँ भी काम आएगा, कि हमारी जो ट्रेड वो जो उसके ट्रेड के लिए शटरिंग हो रही है वो पूरी मतलब लेवल है कि नहीं, वो इसमें भी काम आएगा। क्योंकि फिनिशिंग के बाद दिखेगा, अगर थोड़ा भी मतलब ट्रेड की शटरिंग ऊपर नीचे हो तो वो बाद में दिखती है।